बीच में रखिए इसमें। आ जाओ आ जाओ। आए हैं ये पॉडकास्ट जिधर है हम उधर ही ले जा रहे हैं आपको। आइए पॉडकास्ट शुरू करते हैं भाई। अब टीम के साथ हम पहुंच गए ऑफिस में। आइए। मेरा मम्मी अभी कीर्तन में गई थी। मेरा मम्मी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है क्या? कान फूट गया है? मेरा ऑफिस चल रहा है और पीकू पहली बार नहा धो के ब्रेकफास्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, जवाई जी के लिए कटोरे कटोरे और हमारे लिए एक ही कटोरा। तुम जाओ से। हमारे लिए तो एक ही कटोरा है। ये क्या बात हो गई? अच्छा भाई, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। यू वॉचिंग प्रियंक आर्या। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक व्लॉग्स में बने रहने के लिए। मेरी प्रिय सासू जी ने इतना ही सुंदर नाश्ता यहाँ पर परोसा है। और पिंक पिंक में सुंदर भी लग रही है यहाँ सासू जी और ज्यादा। क्या बात है। हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं बैठ कर और वो इसकी मीटिंग शुरू हुई। मम्मी कह रही वो लैपटॉप पे भी बोल रहा है कि हाँ सही बोल रहा है तू, सुंदर लग रही है पिंक। अभी अभी नहा के रेडी हुए हैं। सत्य है ना सही है। ये तो सत्य है कि आज थोड़ा नहा के नाश्ता कर रहे थे, 2-3 दिन से नहीं कर रहे थे। मीनू 4 रोटी खा रही है। आज एक इम्पोर्टेंट काम से हमको निकलना है। कल के ब्लॉग में भी आपको बताया होगा मैंने। भिंडी की सब्जी कमाल बनी है मम्मी, बेहतरीन। मतलब रोटी के साथ खाने वाली और चाय की चुस्की लेने वाली। असल में गाइस नाश्ता कर लिया हमने। आज हमें एक पॉडकास्ट के लिए जाना है। जो पॉडकास्ट पहले हुआ था उसका पार्ट 2 है आज, क्योंकि अपना शो भी सही निकला है और उसके रिगार्डिंग भी लोगों को पॉडकास्ट लेना है मेरा। और हम लोग 100K भी हिट करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो 1 लाख हो जाएंगे आजकल में, तो उसके रिगार्डिंग भी पॉडकास्ट है। तो दैट्स वाई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहीं जा रहे हैं हम उससे रिलेटेड। 99 हो गए होंगे, देख हो गए। हाँ। देखो जी ये 99 हो गए हमारे। ये कुछ दिन में 100 भी हो जाएंगे। अब 100 बाकी है या 1000 बाकी है? 1000 बाकी है। चलो अब चलते हैं पॉडकास्ट के लिए। ठीक है तब जब 3 डिजिट आ जाएगी तब आएगा मजा देखने में। ठीक है टाटा है बाय बाय। पहले घर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा वहाँ से कुछ चेंज वेंज करेंगे फिर जाएंगे। ये दाढ़ी ऐसी रखूंगा मैं, ये इसमें यहाँ साफ करा दूंगा। साफ नहीं करना चाहिए। ना साफ नहीं, ये शेप है ना, साफ देगा अलग ना। और बाल ऐसे ही ठीक है। साफ में ना कोई इतना आगे मम्मी कह रही साफ में बेकार लगता है, दाढ़ी साफ करा। क्या क्या नाक तुम लगता? नाक जो है इतना लगता है ना, मुंह तुम ठीक लग रहा। हाँ मूछ में ठीक है। चलो फिर मुझे भी बेकार ही लगता है यार बिना इसके। और क्या मम्मी कह रही जैसे तेरे नाक है वैसे उसी पे दाँत ही पलाते थे, दराती तेज करते थे लोग गाँव में। मूछ में तो सही है ना, बिल्कुल जैसे दराती पलयाने के लिए। चलो मैं जाना चाहूँगा। ठीक है आता हूँ तब मैं। ठीक है मीनू कह रही मेरी तारीफ कर देना पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मीनू कह रही छक करके मेरी तारीफ कर देना वहाँ पर। आप किसको ढूंढ रहे हो? भाभी को। भाभी कहाँ है? भाभी आ जाएगी? नहीं। ओए अरे नहीं है, शाम को आएगी। अरे वहाँ नहीं है। उसको लग रहा है कि मीनू भी आ रखी है। चलो रेडी होते हैं भाई। ट्रिम श्रिम कराया हल्का सा। ये मेरी माँ, कैसे हो आप? ठीक है, तू ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। आई लव यू। ठीक है घर में? हाँ मीनू लोग भी सब ठीक है। मीनू ठीक है। मैं जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट के लिए। हाँ। अभी निकल रहा हूँ। ठीक है। भाभी को क्यों नहीं लाया? भाई जिनके यहाँ हमें पॉडकास्ट के लिए जाना है द DMD शो, वो लोग आ गए हैं। हाँ हाँ बेदाल जी भाई पॉडकास्ट भी नए तरीके से कर रहे हैं, मतलब घर से ही शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। आइए भैया, मौसम तो घिर के आ रहा है पर बरसात बहुत दूर नजर आती है। अभी बारिश वारिश का कोई सीन नहीं है, बाहर बहुत उमस हो रही है भाई तगड़ी। सूरज भाई वहाँ से शॉट ले रहे हैं। टीम के साथ हम पहुँच गए ऑफिस में। लेट्स गो, लेट्स मीट द पीपल। स्वागत है। चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया जी मैम। व्लॉगिंग ही चल रही है अभी भी। हम लोग पॉडकास्ट वाले एरिया में पहुँच गए। आदरणीय श्रीमती माधुरी डवराल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट। नहीं एक्चुअली ये डिमांड ऑन डिमांड है, मैंने अभी तक बताया नहीं। अब डिस्क्लोज हो गई है चीज़ें। अच्छा। क्योंकि सबको जानना था। हाँ। कि पीकू का शो कैसे रहा, पीकू की फीलिंग्स क्या थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनकी जो मतलब जिनके इच्छा पूरी नहीं हो पाई टिकट। हाँ। क्योंकि हाउसफुल 2-3 दिन में ही हो गया। हाँ। और हमारी तरह जो थोड़े से लेट रहते हैं बेचारे। हाँ। उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे क्योंकि हमने आपको पहले भी फीचर किया था अपने पॉडकास्ट में। हाँ। तो लोगों को लगा इस रास्ते ही सही कुछ तो बातें मिले, कुछ तो नया जानने को मिले, कुछ तो निकले शो के बारे में। सारे उन लोगों के लिए आपका ये आज पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद उन लोगों का भी, आपका भी। चलिए अब शुरू करते हैं पॉडकास्ट, वही बाद में मिलेंगे। अब बाय बाय बुद्धि जी तरह, नमस्कार, मिलते हैं फिर। हमारा पॉडकास्ट जो है बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही सुंदर। आप बाकी बताएं कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा। बाकी जो भी है वो पॉडकास्ट में जरूर देखिए। हाँ। और आप सब जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। बाकी सूरज भाई भी हमारे साथ जिन्होंने ये पूरा शो जो है शूट किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई। डायरेक्टर भी यही है शो के, डायरेक्टर साहब जो सामने खड़े हैं। बस अब हम लोग निकलते हैं। सूरज भाई जी फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है पॉडकास्ट, देखने जरूर आना। कि अभी अभी बैठ जाऊं और कल निकाल दूं। ठीक ये है कि थोड़ा फ्राइडे तो नहीं आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ। पॉडकास्ट नेक्स्ट फ्राइडे भाई, पॉडकास्ट अपना आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे के लिए इंतजार कीजिएगा और जरूर देखिएगा, फैला दीजिएगा। DMD शो किस पे? DMD शो, DMD शो पे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ओके ठीक है भाई जी, फिर मिलते हैं। ओके चलो भैया जी, आप भी अपना परिचय दे जरा। सर मेरा नाम संजय गिलियाल। संजय गिलियाल जी हमारे साथ हैं। लेना खान भी हम तो ही आए थे, यही आए थे हमें लेने के लिए, और अब हमें वापस छोड़ने भी जा रहे हैं। कोटद्वारा का मौसम मस्त हो रहा, बहुत मस्त हो रहा है, सुखमई सुखमई। तो यही थी वो मेन बात जो अपन करने वाले थे, कि मतलब मैंने बोला ना कल के ब्लॉग में कि कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। तो अपना 100K और अपने शो से रिलेटेड ये पॉडकास्ट आने वाला है, ज़रूर देखना। इसमें भी बहुत ही मस्त बातें हुई हैं, होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो बहुत बढ़िया लगा मिलके, फिर आते हैं किसी और पॉडकास्ट में, फिर मुलाकात होती है। आई लव यू। चलो ठीक है, ओके ये लो, ये क्या अभी खोलो? हाँ जाओ अंदर चल के खोलेंगे। चलो क्या इसमें, इसमें क्या है वो नहीं बताऊंगी। नहीं वो नहीं बताऊंगा। देखो ये क्या खोल रही है। फोन बंद कर, फोन बंद कर, फोन बंद करो। मम्मी क्या बोल रही है तोशी? ये था DMD शो, उन्होंने दिया है, इन्होंने बोला तोशी के लिए है ये। जाते हुए प्रेजेंट दिया गया हमको वहाँ से आते हुए। हाँ हाँ मेरी है, अच्छी थी। मेरी T-शर्ट पहन दे रही है मेरी मम्मी घर पे। पहन दी तुमने, क्या आराम मिला उसमें? मेरा मम्मी अभी कीर्तन में गई थी, मेरा मम्मी कीर्तन में गई थी, उधर ही डिनर भी था इनका, हमारा डिनर भी उधर से ही आ गया है। और मैं अभी ब्लॉग एडिट करने में बहुत देर लगी। आज का ब्लॉग हो गया है पर आपने देख लिया होगा कल का ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा है ससुराल में फिर से, क्योंकि हमारा डिनर उधर ही है। तो तुम्हारा जो डिनर इधर रखा है वो तुम ही लोग खाओ, ठीक है? क्या क्या बना रहे हो डिनर में? हमारा ससुर जी हमारे लिए कुछ ना कुछ बना दिया होगा। ससुर जी आ रहे हैं? ससुर जी हमारा, ससुर जी। ढंग से सुनो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है क्या? कान फूट गया है। अभी कैसा जाएगा, पूरा बारिश पड़ रहा है, पूरा देखो नीचे पूरा भीग गया है, और पूरा बारिश पड़ रहा है, पूरे रास्ते भर बारिश रहेगा। तो कैमरा बंद कर देगा तब जाएगा। ओके मम्मी बाय। अब सीधा ससुराल में मिलेगा, ठीक है? बाय बाय। अभी अपना पूरा ससुराल में पहुंच गया है, और बहुत कम लगा था भीगेगा पर पूरा भीग गया है। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। कुर्सी लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वैसे ही आदमी पूरा भीगा हुआ है, क्या कुर्सी लाएगा? कुर्सी के बिना ही बैठ जाएगा। तो अभी सासू जी के पास पहुँच गया है और इधर बैठेगा, इधर ही रहेगा। आज कुंडी लगा दे। बारिश बहुत तेज हो रहा है ना, हमको लगा कि नहीं भीगेगा, थोड़ा बहुत फिर भी भीग गया। क्या बोलेगा? बहुत परेशानी हो गया। ये पहलवान उधर कुंडी नहीं लगा पा रहा है, देखो बहुत मुश्किल हो रहा है उसको। बहुत मुश्किल से एक कुंडी लगा पा रहा है। अभी अंदर जाएगा, अंदर बैठेगा आराम से। खोख रहा है वो। क्या चीज? इंटरव्यू। इंटरव्यू बढ़िया रहा आज का। हमने बोला कि मेरे सासू बोल रहा है कि जल्दी इंटरव्यू निकालो नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। मेरे सासू, मैंने बोला लड़ाई करने आ जाएगा उधर ही कि इंटरव्यू जल्दी क्यों नहीं निकल रहा है। अच्छा। हाँ। किसने लगाया है? नेल पॉलिश लगाया है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह, किसने लगाया है? अक्षिता आया था घर पे। हाँ। ओ, कितना प्यारा नेल पॉलिश लगाया। वाह वाह वाह। नेल एक्सटेंशन है ना कि नेल पॉलिश। क्या बोलेगा? हमारा एक्सेंट सुन के, हमारा बात सुन के क्या लगता है किधर का आदमी है ये? दारू की गंध आ रही है। ऐसा सोचता है कि हम दारू पी के आए हैं तो इतना एक्टिंग कर रहा है। दारू नहीं है, हो सकता है नीमन का गंध हो। हमारा पिताजी, सुनो सही, हमारा डैडी पूरा नीमन छिड़कता है, चीटी वीटी हो गया, कीड़ा हो गया घर में पूरा। पर ये तो बताओ कि किसका एक्सेंट से क्या लग रहा है किधर का आदमी हो गया? तुमको ऐसा लगता है मैं दारू पिएगा? हमारा सासू हम पे शौक कर रहा है। नेपाली प्लस बंगाली। दारू थोड़ी पी दो, दारू गंद। क्या पता पी के भी आया होगा, सुपर रहा होगा। सैंड की गंद भी हो सकता है, पर हम सुपर रहा है, क्या पता पी के आया है, तभी तो इतना एक्टिंग कर रहा है। ऐसा बताओ कि कहाँ का लग रहा है कैरेक्टर आपको, किधर का बंदा है? अरे नेपाली है, नेपाली। अभी क्या कंबल बेचने वाला बन जाएगा क्या? नेपाली प्लस बंगाली है। नहीं नहीं, थोड़ा बंगाली भी है, थोड़ा नेपाली भी है। अभी ठीक लग रहा है? नेपाली तो बोली है दीदी। ओ दीदी कमाल ले लो दीदी, कमाल। अभी कंबल वाला थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता है, हम थोड़ा पढ़ा लिखा नेपाली है। ठीक है, कमाल ले लो दीदी, कमाल। देखो पूरा हमारा सासू भी पूरा जानता है कैसा बोलता है। अभी क्या बोलेगा? पूरा टैलेंटेड सासू है ये। चलो भैया, अब हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, ब्लॉग्स देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो अगर आपको इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मज़े हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग्स आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मीनू के नाखून, प्लीज़ कॉमेंट में लिख के बताएं। मम्मी आप बोल दो, ये कैसे लग रहे हैं मीनू के नाखून, ये कॉमेंट में लिख के बताएं गाइज। कैसे लग रहे हैं मीनू के नाखून? अच्छे लग रहे हैं क्या? गंदे तो नहीं लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, ये मम्मी ने खुद ही बता दिया। कल ब्लॉग में बताना भाई कि अच्छे लग रहे हैं कि ब्लॉग में नहीं, कमेंट में। कमेंट में, कमेंट में क्या बोलना है? कमेंट में लिख के बताएं, कमेंट में लिख के बताएं कि नाखून कैसे लग रहे हैं गाइज।